गांव वासियों, तुम लोग देख रहे हो इन विलेजर ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ चुका है। दिन में कितने सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं यहाँ पे। नहीं इंसेक्ट, उन्होंने सिर्फ हमारा घर को नहीं पूरे विलेज को घेर लिया है। नहीं नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे। तुम लोग देख रहे हो हम लोग खिड़की से नहीं भाग सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से निकले वो लोग हम लोग को कच्चा चबा जाएंगे। इंसेक्ट, हम लोग उनसे क्यों नहीं लड़ सकते? अरे यार, मेरे पास कुछ खास वेपन वगैरह कुछ भी नहीं है सिवाय इस पिस्तल के, और इस पे बुलेट भी ओनली 18 बचा हुआ है। और यहाँ पे देखो तुम लोग कितने सारे लाखों में ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। इंसेक्ट, मेरे पास एक कुदाल है। कुदाल है? पागल हो क्या? कुदाल से क्या उनके बॉडी से मैल निकालोगे तुम लोग? अरे यार, फिर तो हम लोग क्या करें? हम लोग उन ज़ॉम्बीज को मार नहीं सकते, हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। यार हम लोग बहुत बुरा फंस गए यार, कुछ नहीं कर सकते अभी। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे करें। और आज रात को फुल मून हो जाएगा यार, उसके बाद ही इन लोगों की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर ये सब लोग घर तोड़ के अंदर आ जाएंगे और हमको मार देंगे, और हमारे आजू बाजू के जितने भी विलेज है उन सब विलेज पे सारे विलेजर सारे इंसान मर गए, बस हम ही लोग जिंदा है और बहुत दूर में एक विलेज जिंदा है। लेकिन वहां तक कैसे पहुंचे मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये लोग 2 हफ्ते के बाद तो शायद चले जाएंगे। 1 या 2 हफ्ते? अरे 1 या 2 हफ्ते हम लोग तब तक क्या करेंगे? अगर सोचो कि फुल मून अटैक के बाद भी अगर हम लोग बच भी जाए, 1 हफ्ता तक हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? अरे क्यों नहीं रह सकते जिंदा? सुनो मेरी बात सुनो, देखो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और मेरे को लेके 6, टोटल 6 बंदे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास खाना वगैरह देखो लिटरली 3 वाटर बॉटल है, और यहाँ पे बस ब्रेड जो जितना है ना, इससे बस हम लोग 1 से 1.5 दिन ही गुजार सकते। रुको, मुझे खुद सोचने दो कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ना तो खिड़की से भाग सकते और ना ही यहाँ पे दरवाजे से भाग सकते। तुम देख रहे हो है, तुम्हारे पीछे देखो वो कौन खड़ा हुआ है गेट के बाहर। बाहर निकलते ही ना वो कच्चा खा जाएगा तुमको, सीरियसली पकाने का टाइम भी नहीं लेगा वो। 1 सेकंड, हम लोग छत से भागने का ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि इस घर के अंदर अगर हम लोग रहे हम लोग प्यासा और भूख के कारण ना मर जाएंगे, तो हम लोग को यहाँ से रिस्क लेना पड़ेगा और हम लोग को यहाँ से भागने का कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो तुम में से कोई भी एक काम करो, मेरे को ना कुछ चीजें दो कि मैं इसके ऊपर चढ़ सकूं, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। हां ये लो इंसेक्ट। ओह थैंक यू। हां इसके मदद से हम लोग देखो ऊपर चढ़ सकते। रुको, तो पहले हमारे ये जो चेस्ट पे, पहली बात तो ये मेडिकल क्रेट जो होता है लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेगा। हमारा जितना भी पानी का बॉटल है, 2 आलू और 5 ब्रेड ये ले लेता हूँ। और देखो हम लोगों को कुछ भी हो जाए बहुत ही हिम्मत से रहनी है और एक साथ रहनी है, बिल्कुल ही अलग नहीं होना है, और कोई भी घबराएगा नहीं जब हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि ये ज़ॉम्बी हम लोग के ऊपर अटैक कर सकता है। सो बी केयरफुल। यहाँ से ऊपर चलता हूँ और देखो हम लोग ना ऐसे ऊपर से यहाँ से भाग सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने ये खोल दिया है, हम लोगों को ऐसे लैडर लगाते हुए यहाँ से ना बाहर निकलनी है, ठीक है। मैंने देखो पूरा रास्ता बना दिया यहाँ से बाहर निकलने के लिए, तो तुम सब लोग तैयार हो ना? हाँ, हम लोग तैयार है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो चलो तुम सब लोग एक एक करके मेरे पीछे आ जाओ। थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे डरो मत यार, कुछ नहीं होगा यार, तुम लोग ही डरोगे तो भाई फिर कैसे होगा यार, हिम्मत से रहनी होगी। आ जाओ तुम सब लोग ऊपर आ जाओ, जल्दी आओ। यहाँ पे देखो एक विलेजर ऊपर फंसा हुआ है छत पे, वो भी मेरे घर पे। ये देखो यहाँ पे विलेजर भाई कितना ज्यादा डर रहा है, वो छत पे फंसा हुआ है। आगे तुम लोग देख रहे हो, देखो यहाँ पे चारों तरफ भाई साहब, हमारा भाई वो चर्च के टावर पे भी चढ़ गया है। तो देखा मैंने, बोला ना वो सब लोग हमारा घर को तोड़ के भी आ जाएगा, देख रहे हो। बट देखो कोई बात नहीं, मेरे पे एक आइडिया है। यहाँ पे तुम सब लोग इस घर के छत पे आ जाओ मेरे पास। हाँ सही बोला उन्होंने, ठीक है। हम लोग उस बिल्डिंग पे मतलब मेरे घर के छत पे जंप करते हैं। उस साइड पे देखो कोई भी ना अभी तक ज़ॉम्बी नहीं आए, सब लोग यहाँ पे ही है, क्योंकि यहाँ पे इनको इंसानों की हमारी खुशबू आ रही है। वहाँ से हम लोग ना एक सुरंग बना के भाग सकते उस साइड पे, क्योंकि उसी साइड पे एक ऐसा गाँव है जो अभी तक सुरक्षित है। उस साइड पे हम लोग को कूदना है। ओके तैयार हो जाओ तुम लोग। यस बहुत ही बढ़िया, हम सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो सुनो तुम सब लोग तैयार हो ना। अब व्हाट यार, यहाँ पे चारों तरफ तो ज़ॉम्बी, हम लोग जिस दिशा पे भाग रहे इस माउंटेन के ऊपर कितने सारे खूंखार ज़ॉम्बी, अगर इन लोगों ने हम सबको देख लिया तो मार देंगे। यहाँ से नीचे कूदो जल्दी से, यहाँ पे नीचे तो कोई नहीं है ना, तो हम लोग को बिल्कुल ही आवाज नहीं करनी है। आराम से आओ तुम लोग, ठीक है, बिल्कुल ही आवाज नहीं करनी है। और यहाँ से ना मैं एक सुरंग बनाऊंगा। शर्मा जी, इस इंसेक्ट के साथ जाना थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है। मेरे साथ जाना सेफ नहीं लग रहा है? तो तुम लोग जाओ वो ज़ॉम्बी के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो, है ना, जाओ वो ज़ॉम्बी के पास
पास जाके उनका भोजन बन जाओ, मेरे पास किस लिए आए हो भाई, मैं तुम लोगों को लिटरली बचा रहा हूँ और तुम लोग मेरे को ऐसी बातें बोल रहे हो कि मेरे साथ जाना सेफ नहीं लग रहा है। फालतू की बातें बिल्कुल मत करो और मेरे साथ चुपचाप आओ, अगर आवाज किया ना तो ये सब लोग सुन लेंगे, हमको आके मार देंगे, ठीक है। तो इस पानी के अंदर से आराम से आओ, कोई भी ज्यादा आवाज नहीं करना, ठीक है। पानी को पार करते हुए हम लोग यहाँ पे भाई इसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ है कितने सारे, हम लोगों को लिटरली उस साइड पे जानी है, ठीक है। यार हम लोग अगर हेलीकॉप्टर से उड़ जाए तो इंसेक्ट कैसा रहेगा? हेलीकॉप्टर से? तेरे पास हेलीकॉप्टर है भी, कौन सा हेलीकॉप्टर से भागेगा तू हेलीकॉप्टर? हम लोग के पास खाने का पैसा नहीं है, हेलीकॉप्टर कहाँ से लाएंगे हम लोग? भाई यार इस बंदे के तो शौक ही यार नवाबी है, इसको अलग ही शौक चढ़ रखा है कि भाई इसको इसको मजा आ रहा है, ठीक है, एडवेंचर लग रहा है इसको कि ज़ॉम्बी आए हम लोग हेलीकॉप्टर से भागेंगे। यहाँ पे जान पे पड़ी हुई है, इसको हेलीकॉप्टर पे भागना है। यार ये इंसेक्ट कुछ ज्यादा ही किटकिट करता है। तुम लोग ना अभी बिल्कुल ही मजाक मत करो, ये सब लोग हमारे ऊपर है और धीरे धीरे ना रात भी होते जा रही है। तुम दोनों पानी में क्या मजे मार रहे हो, है नहाने का टाइम है, ये जल्दी ऊपर। मेरे पास ये जो शवल है ना, इससे ना मैं यहाँ पे एक सुरंग बनाऊंगा, तो चलो मैं यहाँ पे काम पे लग जाता हूँ। तुम लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर कोई भी ज़ॉम्बी आए तो उनको मारना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना खुद को भी और मुझे भी। यार तुम लोग देख रहे हो मुझे माइनिंग करते करते क्या हाल हो गया यार, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ गाइस सीरियसली। और हमारा माइनिंग भी लाइक अच्छा ही बना है, यहाँ पे देख सकते हो मतलब बहुत लंबा हम लोगों ने टनल खोदा है, बट अभी तक मुझे बाहर का रास्ता लिटरली नहीं दिखा। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि हम लोग ना निकलने वाले गाँव वासी हो, देखो देखो ये सब लोग निकल चुके हैं बाहर, ये देखो। इंसेक्ट तुमने इतना परफेक्ट एक टनल कैसे बना लिया? सुनो अभी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर जाने वाले, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इतना ज्यादा माइनिंग। रुको मैं मेरा गन भी हाथ में ले लेता हूँ और तैयार रहो, अभी हम लोग जाने वाले हैं बाहर, भी हम लोग बाहर जाएंगे, तेरे को जब बाहर जाने की बहुत जल्दी है, केयरफुल रहना, कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ यहाँ पे। ओके आ जाओ एक एक करके बाहर। ओके यहाँ पे मुझे आजू बाजू पे कोई भी ज़ॉम्बी तो नहीं दिख रहा है। ओ, 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 नहीं 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 यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज है। ओ शिट 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 शिट, ओ माय गॉड मैं हाफ हार्ट पे बचाऊ। रुक जाओ कहाँ गए वो ज़ॉम्बीज, कहाँ गए, देखे ये कितने खतरनाक है ये लोग। ये रहा तेरी बहस की, तू हमें मारेगा, देखा तुम लोगों ने कितना ज्यादा डेंजरस है ये लोग। मरते मरते बचाकर मैं मार जाता, फिर तुम लोग तो एक सेफ प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। मैंने सोचा था कि हम लोग ऐसे यार चलते हुए वो वाले गाँव में पहुंच जाएंगे जो अभी तक सेफ है, लेकिन यार वहाँ पे पहुंचते पहुंचते हम लोग मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास सीरियसली ज्यादा फूड है नहीं। मैंने दो ब्रेड खा लिया है। क्यों खा लिया ब्रेड? क्या मतलब क्यों खा लिया? तुम लोग तो पीछे खड़े थे, मैंने वो पूरी खुदाई करी थी, वो जगह तो भूख नहीं लगेगी मेरे को, भूख लगी, मैंने दो ब्रेड खाया है। ये सब बातें छोड़ो और अभी चलो जाके ना एक सेफ प्लेस ढूंढते। गाँव वासियों हो फाइनली देखो हम लोगों को एक गुफा मिली है सेफ, ये जगह हम लोगों को थोड़ी सी सेफ लग रही है। बहुत टाइम हो गया, अभी तक कोई भी ज़ॉम्बी हमें नहीं दिख रही है, लेकिन यार ये जगह को ना हम लोगों को थोड़ा सा सेफ बनाना पड़ेगा और जब तक भाई ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स थोड़ा कम नहीं होता तब तक ना हम लोगों को यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा। यार हम लोग कितने मस्त घर महल में रहते थे, अब इस इंसेक्ट की वजह से हम लोगों को इस गुफा में रहना पड़ेगा। क्या तुम लोग सुन रहे हो इसकी 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 बातें, इसको महल में रहता था भाई वो मिस कर रहा है, इसको जान की परवाह है ही नहीं भाई, सीरियसली महल की पड़ी हुई है कि गुफा में नहीं रह सकता। अरे भाई तू निकल जा भाई, इसको निकालोगा, इसको इसको ग्रुप से निकालो भाई, इसको निकालो, ये काम का है ही नहीं। अरे नहीं नहीं सॉरी इंसेक्ट, सॉरी इंसेक्ट बस की कर रहा है, मजाक सूझ रहा है तेरे को है। ये देखो हम लोग इस माउंटेन के टॉप पे आए हैं, वो देखो वो रहा हम लोगों का गांव। लेकिन इंसेक्ट वहाँ पे कोई ज़ॉम्बीज क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ सही बोला तुम लोगों ने, ज़ॉम्बीज नहीं दिख रहा है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा इतना दूर आ गए तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो हमारे रेंडर डिस्टेंस के बाहर है, मतलब थोड़ा दूर हो गया इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बी और इतनी जल्दी थोड़ी जा सकते हैं। देखो यार मुझे क्या लग रहा है कि हमें ना जल्दी से हमारे शेल्टर पे जानी चाहिए। इंसेक्ट कुछ खाना मिलेगा क्या? हम तीनों को बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक एक करके तुम लोग ब्रेड ले लो, एक मैं रखता हूँ, तुम दोनों थोड़ा दो ब्रेड को आपस में बांट लो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग शेल्टर पे जाते हैं, तो आ जाओ जल्दी जल्दी से शेल्टर पे आ जाओ। एक सेकंड, हम लोगों का और तीन गांव वसिया कहाँ है? और भी तीन थे ना, वो छत के ऊपर से लाया था जो मेरे घर के छत के ऊपर था, गांव वसिया छह थे ना और मेरे को लेके साथ। एक सेकंड यहाँ पे कोई ऐसा ज़ॉम्बी शायद है। हे भगवान अब तो हम लोग भी नहीं बचने वाले। देखो तुम लोग इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो एक छेद है ना, हम लोग एक काम करते हैं इस छेद वेद को सब कुछ बंद करते ताकि कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ पे ना आ सके, ठीक है। और मैं इस दीवार को थोड़ा मोटा बना देता हूँ, जल्दी से तोड़ ना सके, ठीक है। तुम लोग ना एक काम करो, तुम लोग ना बाहर मत जाओ, ठीक है, तुम सब लोग अंदर आ जाओ, अंदर आओ जल्दी अंदर आओ। हाँ तुम लोग अंदर रहो,
मैं बाकी का काम करता हूँ। पास देखो ये एक बैकपैक है, ठीक है। इस बैकपैक के अंदर मैंने मेरा कुछ सामान ना बचा के रखा था, तो वो सामान को ना अभी ना मैं यूज करने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सामान है, मेरे पास एक खाना बनाने की जगह भी है, जो कि तुम लोग थोड़ा सा खाना वाना बनाना, ठीक है। ये देखो इस जगह पे हम लोग खाना बना सकते हैं, इसके नीचे कैंपर भी लगी हुई है कुछ करने के लिए। हाँ ये देखो मेरे पास कुछ प्लैंक्स है, सो इन प्लैंक्स से ना मैं यहाँ पे एक दरवाजा बना देता हूँ, ऐसे लाइक पूरा ढक देता हूँ इसको, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक ना कर सके इजीली। ओके ये देखो अब ना मैं यहाँ पे ये डोर को लगा देता हूँ। यस ये देखो हमारा दरवाजा यहाँ पे लग चुका है। मैं यहाँ से थोड़ा सा स्टोन का यूज करता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे, गुफा जो है ना वो थोड़ा सा सेफ है, और हम लोग थोड़ा सा सेफ प्लेस पे, जो कि हमारे पास खाना है लेकिन अभी सोने का जगह बनाना है। तुम सब लोग अपना बेड अपने साथ लाए थे ना? हाँ हाँ हम लोग बेड लाए। हाँ तो अपना बेड वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा लो, मैं भी मेरा बेड बैकपैक से निकालता हूँ और मैं मेरा भी बेड यहाँ पे लगा लेता हूँ। इस जगह पे मैं सोऊंगा, तुम सब लोग अपना बेड लगा लो। गाइस मैंने जंगल से एक कैंप फायर भी बना लिया, जो कि मेरे हाथ पे तुम सब लोग देख सकते हो। चलो ये ना मैं गांव वासियों के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ, कि गाइस यहाँ पे ना रात पे ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाएगी है ना जंगल में, हम लोग यहाँ पे हम लोगों के लिए कैंप फायर तो रहनी चाहिए। यस हम लोग इस कैंप फायर को यहाँ पे यूज करेंगे रात के टाइम पे, यहाँ पे हम लोग सोएंगे तो यहाँ पे आग जलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हमारे लिए सर्वाइव करना यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। मेरे पास 8 डायमंड है, इससे तलवार वगैरह तो बनी जाएगी, ठीक है, जिससे कि हम लोग फाइट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं थोड़े बहुत और चेस्ट वगैरह लगा देता हूँ इसके ऊपर। मेट किट को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, हम लोगों को कुछ खर्च वगैरह आया तो इस मेट किट का हम लोग डेफिनेटली यूज करेंगे। हाँ यार अच्छा लग रहा है, देखो कि ये जगह बहुत ज्यादा प्यारा बन चुका है, यहाँ पे खाना बनने का जगह है। तुम सबको कैसा लग रहा है? और गाइस तुम सब क्या इस जगह पे रहना पसंद करोगे? ठीक है रुको मैं ना थोड़ा सा खाना वगैरह देखता हूँ, ठीक है। बाहर गाँव वासी देखो यहाँ पे धीरे धीरे रात हो रहा है, इसका मतलब फुल मून होने वाला है यार। ओ ओ शिट शिट भाई, हम लोग तो बाहर निकल ही नहीं सकते, रात होते यहाँ पे ज़ॉम्बीज आना चालू हो चुका है। नहीं गाइस हम लोग थोड़ा सा बाद में जाएंगे। ओ माय गॉड यार देखो मेरे पास ज्यादा फूड नहीं है, ये 2 पोटैटो है, ठीक है, इन 2 पोटैटो को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और मेरे पे यहाँ पे 2 ब्रेड है, ठीक है, तुम सब लोग ये ब्रेड लो और वो पकने के बाद पोटैटो खा लेना। गाइस हम लोग नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा धीरे धीरे खूंखार बनते जा रहा है। अब भी हम लोग यहाँ पे 2 हफ्ता तक गुजारना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते जब तक ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ठंडा नहीं होता। बट गाइस हम सब लोग हिम्मतदार है, हम लोग कर ही लेंगे, यहाँ पे सर्वाइव कर ही लेंगे। बट गाइस तुम सब लोग एक लाइक दे देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।